नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। काफी संघर्ष करने के बाद गवर्नमेंट केटीपीजी कॉलेज में स्पेशल बस लगवाई गई थी। कोरोना काल में बस को बंद कर दिया था, अब कॉलेज शुरू हो गए हैं लेकिन बस की समस्या का समाधान नहीं किया गया। विद्यार्थियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बस में जगह न होने के कारण छात्रों को बस में लटक कर आना जाना पड़ता है। पहले भी काफी छात्रों को चोटें लग चुकी हैं। जो छात्र दूर से आते हैं उन्हें कॉलेज पहुंचने में लेट होना पड़ जाता है, इसके चलते उनकी क्लास मिस हो जाती है। कई बार छात्रों ने बस अड्डा इंचार्ज को इस समस्या को लेकर अवगत करवाया लेकिन अभी तक इस समस्या का हल नहीं किया गया। छात्रों को जान जोखिम में डालकर बस पर लटक कर आना पड़ता है। हरियाणा छात्र यूनियन ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो पाए। जो स्पेशल बस गवर्नमेंट केडी कॉलेज के लिए मुहैया करवाई गई थी उसको दोबारा शुरू किया जाए ताकि छात्रों को आने जाने में दिक्कत ना हो। हरियाणा छात्र यूनियन का प्रतिनिधि मंडल जल्द ही इस समस्या से फतेहाबाद जीएम और डीसी को भी अवगत करवाएगा। रतिया से हमारे संवाददाता रवि गोयल की रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं हरियाणा छात्र यूनियन से रवि रतिया। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट केटी कॉलेज के अंदर जो बस की समस्या है बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। हमने पहले भी ये इस बस की समस्या को हल करवाने के लिए माननीय डीसी साहब और एसडीएम साहब को लिखित में दिया था, तो उन्होंने ये बस की समस्या का हल करवाया था। इस समस्या की समस्या को हल करवाने के लिए हमने काफ़ी प्रदर्शन किया था, जो हमारी समस्या थी उसका हल हो गया था। लेकिन जब से ये कोरोना काल चला है उसके बाद जब कॉलेज लगे स्टार्ट हुए ये बस की समस्या फिर बंद कर दी गई है। हमने जो बस अड्डे इंचार्ज है इनको मिले थे और इनको जो अपनी जो समस्या थी बताई थी कि जो गवर्नमेंट केटी कॉलेज है इसके लिए स्पेशल बस लगाई जाए जो छात्रों को लेकर आए और छोड़कर आए। लेकिन गवर्नमेंट केटी कॉलेज के अंदर 1200 से 1300 बच्चे पढ़ते हैं और स्पेशल बस की सुविधा नहीं है, जिस कारण गवर्नमेंट केटी कॉलेज के अंदर जब 2 बजे कॉलेज के बाहर छात्र निकलते हैं तो किस तरह से छात्र छात्राएँ चढ़कर अपनी जान खतरे में डालते हैं। क्योंकि एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि जो छात्र है युवा है वो देश का भविष्य है, लेकिन आज ऐसा नज़र आ रहा है कि देश का भविष्य जो बस पर चढ़कर अपनी जान खतरे में डाल रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो हमारे परिवहन मंत्री हैं उनसे निवेदन है कि जो बस की समस्या है हमारी बस की समस्या का हल किया जाए और स्पेशल बस गवर्नमेंट केटी कॉलेज में लगाई जाए ताकि छात्रों को कोई परेशानी की समस्या का ना आए और जो छात्र हैं टाइम अनुसार अपनी क्लासें लगा सकें। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।